तो आज मैं आपके साथ अपना कॉलेज लाइफ का किस्सा शेयर करने वाली हूँ। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो नए नए कॉलेज के अंदर जा रहे होंगे, तो आई होप उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए। जब कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने का टाइम था ना फर्स्ट ईयर के अंदर, तो उस टाइम पे बड़ा सा मेरा ड्रीम था कि कॉलेज के अंदर जाकर ड्रामेटिक सोसाइटी को जरूर ज्वाइन करना। इसके साथ में सोचा था कि कॉलेज जाके हम आउटसाइड वर्ल्ड को काफी एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि स्कूल के अंदर कहीं बाहर जाने की परमिशन मिलती नहीं थी। और ऐसे में आप में से भी काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे, किसी का सपना होगा कि अपनी हेल्थ और फिटनेस पे काम करना है, किसी का ड्रीम होगा, किसी का गोल होगा कि मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना है, मुझे अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, किसी का सपना होगा कि स्कूल लाइफ के अंदर पूरा टाइम इंट्रोवर्ट रहे थे तो अभी थोड़े से दोस्त बनाएंगे कॉलेज के अंदर, उनके साथ हैंग आउट करेंगे। तो ऐसे में कॉलेज के जो 3 से 4 साल होते हैं ना, उन्हें हमें एक प्लेग्राउंड की तरह ट्रीट करना होता है, क्योंकि कॉलेज के अंदर ये तो पता होता है अकेडमिक्स पे काम करना है, प्लेसमेंट की तैयारी करनी है, पर सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं उनके बारे में कोई आके पूछता नहीं। और ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं ये हमें लाइफ लॉन्ग हेल्प करेंगे, इसीलिए हमारे जो 3 से 4 साल का टाइम है इसको इन्वेस्ट करना है थोड़े से अपने जो भी सॉफ्ट स्किल है उनके ऊपर काम करने के लिए। अगर हमारी कोई इनसिक्योरिटी है तो उसके ऊपर काम करने के लिए, उन इनसिक्योरिटीज को दूर करने के लिए।